Hey guys, welcome back to our channel Aspiring Minds, a complete educational hub. और आज हम लोग अपने एटीट्यूड सीरीज की फिफ्थ वीडियो पर हैं और फिफ्थ वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ. मॉरल हम लोग एंड में कंक्लूड करते हैं. तो एक बार की बात है, एक ना चोर होता है. वो चोर बहुत दुखी होता है और लेकिन उसको अंदर से पता नहीं होता कि वो दुखी है. क्योंकि एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, एक जंगल में से गुजरा, तो एक साधु ने उसको आवाज़ दे दी. उसने साधु को नहीं बुलाया लेकिन साधु ने आवाज़ दे दी. साधु महाराज बोलते हैं, बेटा दुखी क्यों है? तो हैरान हो जाता है, कहता मैं और दुखी? नहीं जी, मैं तो दुखी नहीं हूँ. आपको कोई गलती लगी है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ. तो साधु महाराज अपने मन ही मन में हंसते हैं और बोलते हैं, बेटा तू दुखी तो है, चल नहीं मानता तो कोई ना जा. तो थोड़ा आगे जाता है और मन में हम लोगों को जैसे बाद में रियलाइज होता है, वैसे ही उसको थोड़ा सा बाद में रियलाइज हुआ और वो वापस आ गया. उसको पता लग गया कि मैं दुखी हूँ. तो वापस जाके चरणों में जाके गिरता है और बोलता है कि महाराज मैं दुखी तो हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं रोज चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, उनको दुखी करता हूँ, तो शायद इसी वजह से मेरी लाइफ में खुशी नहीं है. तो साधु महाराज कहते हैं, खुशी चाहिए ना? चल ठीक है, तू मेरी तीन बातों को मान ले. तो तीन बातें, कहता बस तीन बातों से खुशी आ जाएगी? कहते हाँ आ जाएगी, तो फिक्र ना कर. तो तीन बातें बोलते हैं. पहली बात कि हमेशा सच बोलना है. दूसरी बात, कभी किसी का नमक खा के हराम नहीं करना. और तीसरी बात कि खुद की वजह से कभी किसी को मार नहीं पड़ने देंगे. ठीक है, तो वो कहता ये तीन बातें मानूंगा तो क्या मतलब कि मैं खुश हो जाऊंगा, अंदर से खुशी आ जाएगी? कहते बिल्कुल आ जाएगी, तो फिक्र ना कर. अब चोर इस बात से खुश था कि इन्होंने मुझे चोरी करने को मना नहीं किया. तो सही बात थी, साधु महाराज ने उसको चोरी करने से मना नहीं किया. तो भाई साहब, उन्होंने तीन बातें पर उस चोर ने मान ली. वो कहता है ये मैं पक्का मानूंगा. तो जाता है जी अगले दिन चोरी करने के लिए फिर, क्योंकि ऑब्वियसली वो चोर है, उसका काम है चोरी करना. तो एक राजा के महल में चोरी करने के लिए जाता है. राजा के महल में एंटर करने लगता है तो एक द्वारपाल रोक लेता है और बोलता है कि कहाँ जा रहा है? तो उसको याद आ जाता है भाई सच बोलना है, क्योंकि साधु महाराज ने बोला था. तो पहले थोड़ा हिचकिचाता है, फिर बोल देता है कि भाई हाँ, कहता चोरी करने जा रहा हूँ. तो द्वारपाल थोड़ा कंफ्यूज होता है, कहता कि कभी चोर जब आता है तो ये बोल के नहीं आता कि मैं चोरी करने आया हूँ. तो लगता है कि ये कोई राजा का दोस्त होएगा जो मैंने रोक लिया तो गुस्से में ऐसे मतलब बोल रहा है कि मैं चोरी करने आया. कहता द्वारपाल अंदर से थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि जाओ भाई कर लो चोरी, फिर अगर चोरी ही करने आए हो तो. ठीक है जी, वो निकलता है आगे और चोरी करने के लिए अंदर चला जाता है. अब अंदर कर जाता है, सारा चोरी चकारी जो भी उसने सारा सामान उठाना होता है वे उठा के एक पोटली में बांध लेता है और बाहर निकलने लगता है. तो रास्ते में किचन मिल जाती है. किचन मिलती है तो भूख भी लगी होती है, तो भाई साहब अपना पेट भर के खाना खाते हैं. लेकिन याद बाद में आता है कि इस खाने में तो नमक भी था, मैंने तो राजा का नमक खा लिया. अब साधु महाराज ने दूसरी बात क्या बोली थी, नमक खा के हराम नहीं करना. अब नमक खा लिया है तो अब हराम कैसे करेगा? तो वो पोटली बंदी बधाई वहीं पे छोड़ के चला जाता है. तो अब अगले दिन राजा को पता चलता है. राजा कहता है एक चोर आया, बता के आया कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, चोरी भी कर ली लेकिन सामान नहीं लेके गया, बस खाना खा के चला गया, माजरा क्या है? तो उसने अपने मंत्री को बोला भाई जाओ, जो भी अपने ऑब्वियसली हर एक राज में कोई ना कोई चोर पहले से ही है ना, होते ही है. तो कहता उन सभी चोरों को उठा लाओ, पता लग जाएगा किसने चोरी करने की कोशिश की है. तो मंत्री के हुक्म पे सारे चोरों को भाई बुला लिया गया, पिटाई वगैरह करनी शुरू कर दी. तो ये बात जब उस चोर को पता चली तो वो अब तीसरा वचन याद आ गया कि भी खुद की वजह से किसी को मार नहीं पड़ने देनी. तो भाई साहब पहुंच जाते हैं राजा के दरबार में, कहता उनको छोड़ दो, मेरे को पकड़ लो, क्योंकि गलती मेरे से हुई है, मैंने आपके दरबार में चोरी करने की कोशिश की है. अब राजा ना उसको कुछ ऐसे आंखें खुली करके देख रहा था कि भाई तेरा दिमाग खराब है, हमें तेरे पे शक भी नहीं है. सबसे पहले तू चोरी करने आया, तू बोल के आया मैं चोरी करने आया हूँ, चोरी कर ली, सामान नहीं लेके गया, अब तेरे को हमें उन्हें पकड़ा नहीं भाई, पकड़ा किसी और को, तू सामने आके खड़ा हो गया, तेरे को पता है तेरे को मौत की सजा मिलेगी, ये माजरा क्या है, ये समझा जरा मेरे को, ये स्टोरी क्या है. तो उसने वो जो साधु महाराज वाली सारी बात उसको राजा को बता दी. तो राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो वो ये तीन बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ, तो उसने क्या किया, उस चोर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया. अब ये स्टोरी साइड पे करते हैं. हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं गाइस, मॉरल क्या है, हम लोग भी बहुत बार किसी ना किसी को धोखा, किसी से फरेब, किसी से झूठ ये बोलते हैं.
लेकिन एक बार मेरे बोलने से पहले अपने दिल से पूछ के देखना, क्या कभी खुशी मिली उससे? क्या कभी दिल में तसल्ली रही हमने ये काम किया? बच्चों को ले लेते हैं, स्टूडेंट्स पेपर कर लेते हैं, है ना, कई बार चीटिंग करके पेपर कर लेते हैं, और जब मार्क्स आते हैं 100 में से 90, क्या उन मार्क्स की खुशी होती है? क्योंकि पता होता है एक दिल के कोने में, ये कौन सा मेरे हैं। लेकिन अब अगर अपनी मेहनत से किए गए 60 नंबर भी आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, ये मेरे हैं। तो जब हमें पता है कि हमें खुशी उन चीजों से, हमें खुशी ओरिजिनैलिटी से मिलती है, तो वो काम करो ना जिससे खुशी मिलती है। क्यों किसी का दिल दुखाना भाई, क्यों? तो मेरे हिसाब से 3 बातें हम सबको धारण करनी है अपनी जिंदगी में। हमेशा सच बोलना है, कभी किसी का नमक खा के हराम नहीं करना, कभी अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं करना, जिसके साथ टिफिन शेयर कर लिया, जिसके साथ एक बार दोस्ती कर ली, तो उसके साथ धोखा नहीं करना। सच बोल दो, नहीं हेल्प कर सकते तो सच बोल दो, छुपो ना, झूठ ना बोलो, छुपाओ कुछ ना, सच बोलो। सच सबसे बड़ी एक परमात्मा की देन है, बड़ा सही बचा लेता है हर एक चीज। और तीसरी चीज, हम लोगों को कभी खुद की वजह से किसी को मार नहीं पड़ने देना। खुद की वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है, ये कॉमन एग्जांपल है, किसी दुकान पे जाते हैं तो अगर उससे हिसाब में गलती हो गई, अगर तो उसने ज्यादा लगा दिए तो जाके लड़ पड़ेंगे, और अगर उसने कम लगा दिए दुकानदार ने, तो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, ऐसा नहीं होता यार। ये चीज हम लोगों को बदलनी है, खुद की वजह से कभी किसी का नुकसान नहीं होने देना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।